नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खुशबू टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉपीराइट क्लेम हटाने का तरीका। जब भी हम अपना वीडियो पे किसी दूसरा का वीडियो क्लिप या फिर फोटो, म्यूजिक, इसके अलावा हम किसी का थंबनेल यूज कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। और कॉपीराइट क्लेम हटाने का दो तीन तरीके होते हैं, जैसे कि आपका वीडियो में जो भी रेवेन्यू बन रहा है, मतलब कि आपका वीडियो में जो भी कमाई हो रहा है आपके वीडियो से, वो कमाई आप जिन्होंने आपको कॉपीराइट दिया है उनको आप देंगे तो आपका चैनल पर से कॉपीराइट हट जाएगा। इसके अलावा आप अगर दूसरा का म्यूजिक, फ़ोटो कुछ भी यूज़ किए हैं, अगर आप उसको एडिट करके अपना वीडियो से हटा देते हैं तो भी आपका क्लेम हट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लेम हटाने का दोनों तरीका बताऊंगी कि कैसे आप दूसरा का, अगर कॉपीराइट जिन्होंने आपको कॉपीराइट दिया है उनको आप रेवेन्यू कैसे दे सकते हैं जिससे कि आपका कॉपीराइट हट जाएगा, या फिर आप अपना चैनल से म्यूजिक कैसे हटा सकते हैं जो जिस पे कॉपीराइट आया है, या फिर इमेज वगैरह जिस पे कॉपीराइट आया है वो आप कैसे हटा सकते हैं जिससे कि आपका क्लेम हट जाए। तो ये मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आपको ये मोबाइल के स्क्रीन पर करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम अपना क्रोम ब्राउज ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको यूट्यूब को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी आईडी है उस आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो आपको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करके इसको अपना कंप्यूटर की तरह कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड में करेंगे तो आपका ये मोबाइल लैपटॉप की तरह खुल जाएगा। तो यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना चैनल पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना लोगो दिख रहा है, लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टमाइज चैनल और एक मैनेज वीडियो करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा। उसके बाद डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डैशबोर्ड पर इस तरह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करके आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए वीडियो रिसिप्ट और कॉपीराइट क्लेम, इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आपका वीडियो पे कोई भी क्लेम आया हुआ है कॉपीराइट क्लेम, तो आपको इसी तरह आपको वीडियो पे देखने को मिलेगा। जो भी वीडियो पे आया है वहाँ पे भी देखेंगे तो मोनिटाइजेशन का एस करके लिखा हुआ रहता है, वो आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा अगर आप YT स्टूडियो से चेक करते हैं तो। उसके बाद आप अपना चैनल यहाँ पे डैशबोर्ड खोलेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस करके दिखेगा, और यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम करके आपको दिखेगा। और यहाँ पे देखिए कॉपीराइट ओनर क्लेम सम कंटेंट इन योर वीडियो, वीडियो वायरल कैसे करें। मैं एक वीडियो बनाई थी वीडियो वायरल कैसे करें, उसमें एक वीडियो में डाल दी थी म्यूजिक, वही यहाँ पे जाके क्लेम आया हुआ है। तो ये 11 अप्रैल को आया हुआ है, देख रहे हैं 7:24, मतलब कि 7:24 पे आया हुआ है 11 तारीख को। तो आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो व्यूज ऑप्शन का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, व्यू ऑप्शन करके लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो मोनेटाइजेशन में देखेंगे तो इन एलिजिबल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एक्शन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट एक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाया गया है, यहाँ पे एक रिप्लेस सॉन्ग, मतलब कि जो म्यूजिक पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है उसको हटा के आप दूसरा म्यूजिक डालेंगे जिस पे क्लेम ना आए, और जो भी क्लेम आया हुआ है वो हट जाए। तो आपको रिप्लेस म्यूजिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे म्यूट सॉन्ग भी कर सकते हैं, तो ये आप दोनों ऑप्शन में से एक आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल म्यूट सॉन्ग पर क्लिक कर रही हूँ। म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर जो भी साउंड यहाँ पे आया हुआ है बैकग्राउंड म्यूजिक में वो म्यूट हो जाएगा, वो सुनाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्ले और म्यूट सॉन्ग ओनली, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि म्यूट ऑल साउंड ही कर देना है। आप यहाँ पे म्यूट सॉन्ग ओनली भी कर सकते हैं, रिमूव द क्लेम सॉन्ग ओनली, जहाँ पे क्लेम आया हुआ है उसको हटा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पूरा साउंड को ही आप हटा सकते हैं।
तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पे टिक कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्ले, तो आपको यहाँ पे म्यूट पे इस तरह क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये हट जाएगा। आप यहाँ पे इसी को आप 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद इसको फिर से ओपन करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्लेम हट जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपका अगर कोई भी वीडियो पे क्लेम आता है तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं। तो इसी तरह आपका अगर वीडियो पे क्लेम आया है तो इसी तरह आप क्लेम को हटा सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना चैनल से क्लेम हटा सकते हैं। अगर आपने दूसरा का म्यूजिक यूज़ किया है तो उसको आप जैसे मैंने बताया है उसी तरीका से आप 2 मिनट में अपना क्लेम हटा सकते हैं। तो आई होप आपको आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।